वेलकम टू बी अ चैंपियन। दिन चढ़ाया था, सूरज का ताप शरीर को झुलसा रहा था। प्यास लगते ही मैं नदी किनारे पानी पीने के उद्देश्य से जंगल में और आगे बढ़ गया। नदी तो नहीं मिली, पर दूर एक कुआं दिखाई दिया। कुएं पर बहुत से बालक एकत्रित थे। उनकी बातचीत और हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कोई चीज खो गई हो। ज्यों ही मैं कुएं के निकट पहुंचा तो एक मोटे से बालक को बोलते हुए सुना, बड़े भैया ने खोई है, वे ही ढूंढेंगे। हमेशा ही ऐसा करते हैं बड़े भैया, और क्या, पिछली बार भी तो गेंद दूर झाड़ियों में फेंक दी थी, फिर ढूंढनी तो हमें ही पड़ी ना। एक सामान्य सी कदकाठी वाला बालक बोला, नकुल ठीक बोल रहा है, यह सारी गलती बड़े भैया की ही है। अर्जुन ने शांत स्वर में सबकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। इतने में चिढ़ते हुए दुर्योधन ने कहा, पिछली बार तो हम सब ने मिलकर झाड़ियों से गेंद ढूंढ ली थी, पर अब की बार तो गेंद कुएं में गिर गई है, वहां से कैसे निकलेगी। मैंने उनकी बातों से यही अंदाजा लगाया कि बच्चे हाथ मटका मटका कर जिसे बड़े भैया कह रहे हैं, वह बेचारा सभी के ताने चुपचाप सुन रहा है। वह कभी किसी पेड़ की सूखी टहनी उठाकर कुएं में फेंकता है, कभी कुएं में ताक झांक करता है। वह अपने को लाचार पाकर रुआसा हो गया। शायद भाई की लाचारी देख भीम को उस पर तरस आ गया और वह बड़े भैया का हाथ पकड़ कर बोला, कोई बात नहीं भैया, कुएं से तो हम गेंद चुटकी बजाते ही निकाल लेंगे। लेकिन सबको पता है कि यह मुमकिन नहीं है। सारा खेल चौपट हो गया। तुम लोगों ने यह क्या लड़ाई झगड़ा मचा रखा है। कुएं के निकट पहुंचते ही मैं बोला, आप कौन हैं? एक बालक ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा। मैं द्रोणाचार्य हूँ, यहाँ जल लेने आया हूँ, पर आपके पास तो कोई पात्र नहीं है और न ही कोई डोरी है। आप कुएं से जल कैसे निकालेंगे? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा। पत्तों का दोना बनाऊंगा और सीखों के सहारे उस दोने को कुएं में से पानी भरकर निकाल लूंगा। सीखों से पानी? सभी हैरान थे। आप सीखों से हमारी गेंद भी निकाल देंगे? बड़े भैया ने रुआसी सी आवाज में पूछा। अच्छा, तो गेंद गिर गई है कुएं में, तभी तुम लोग शोर गुल कर रहे हो। पत्ते इकट्ठे करते हुए मुझे बड़े भैया के हाथ में चमकती हुई अंगूठी दिखाई दी। मैंने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपनी यह अंगूठी दे सकते हो? क्यों, गेंद निकालने के बदले में आपको यह अंगूठी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पर यदि तुम मुझे यह अंगूठी दे दो तो मैं तुम्हें जादू दिखा सकता हूँ। जादू का नाम सुनते ही सभी बच्चे बड़े भैया से अंगूठी उतार कर देने की जिद करने लगे। अंगूठी मिलते ही मैंने उसे कुएं में फेंक दिया। अरे, यह क्या किया आपने? बड़े भैया के साथ साथ भीम और अर्जुन भी चिल्ला पड़े। पर दुर्योधन मुस्कुरा रहा था। यही तो जादू है, अब मैं तुम्हें गेंद के साथ साथ अंगूठी भी निकाल कर दूंगा। किंतु गेंद तो पानी के ऊपर तैर रही है और वह दिखाई दे रही है, पर अंगूठी तो नीचे तल में न जाने कहां चली गई है। वही छोटा बालक जिसे सब अर्जुन कहकर बुला रहे थे एकदम से बोला, यही तो जादू है, देखो गेंद दिखाई दे रही है, पर अंगूठी को भी तो पानी में जाते समय मैंने देखा है। ऐसी सीके मारूंगा कि ठीक अंगूठी पर ही निशाना लगेगा। मैंने निकट के ही बरगद के पेड़ से एक टहनी काटी और एक धनुष तैयार किया। पतली नाजुक टहनी से प्रत्यंचा बनाई, फिर मंत्र पढ़कर सीकों के बाण कुएं में मारने लगा। पहली सीख गेंद में लगी, फिर दूसरी, तीसरी, इस तरह सीकों की लंबी सीढ़ी बन गई।
फिर आराम आराम से डोर की तरह खींचकर गेंद निकाल ली गई। उसी तरह से अंगूठी भी निकाल ली गई। सभी बच्चे मंत्रमुग्ध होकर मेरा यह कौशल देख रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि सभी कुछ अभ्यास और कौशल से संभव है। धन्यवाद।